कोविड-19 का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट अब पूरे विश्व में तबाही मचा रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका में इसकी भयावहता सबसे ज्यादा है। आलम यह है कि यहाँ कोरोना ने ब्रिटेन में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं अमेरिका में एक दिन में कोविड के केस दोगुने हो गए हैं। ब्रिटेन में बीते रोज यानी कि बुधवार को 78,610 नए ओमिक्रॉन के केस मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि इतने ज्यादा केस करीब 12 महीने बाद सामने आए हैं। इससे पहले इसी साल 8 जनवरी को 68,053 केस मिले थे, लेकिन तब ब्रिटेन में लॉकडाउन था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन के मामले अब दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें बूस्टर डोज बढ़ानी होगी क्योंकि इसमें संक्रमण से निपटने में सहायता मिल सकती है। जॉनसन ने कहा है कि ओमिक्रॉन के संकट से निकलने के लिए टीकाकरण पर जोर देना ही होगा। प्रयास करें कि टीका लगाएं और ओमिक्रॉन के प्रसार को धीमा करें। बता दें कि इसी मंगलवार को ब्रिटेन में कोरोना के 59,610 नए मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन एक दिन में 20,000 केस बढ़ने से हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने कहा है कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहां एक दिन में केस डबल हो गए हैं। टीकाकरण को बढ़ावा देना होगा। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच पीएम बोरिस जॉनसन ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हमें कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना होगा। वहीं इंग्लैंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्रिस वेट्री ने कहा है कि टीकाकरण लोगों की सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। कोरोना से बचाव को लगाएं मास्क। हालांकि यूके के स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में नए प्रतिबंधों को लागू करने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें फेस मास्क पर बेहद ध्यान देना होगा। जरूरी है कि घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं, साथ ही ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दें। व्हाइट हाउस ने क्या कहा? बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भारी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है क्योंकि यही एक उपाय है जिसमें हम कोरोना से बच सकते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि भले ही ओमिक्रॉन पुराने डेल्टा से कम खतरनाक है, लेकिन बुजुर्गों के लिए मुसीबत बन सकता है। बता दें कि अभी तक 75 देशों में ओमिक्रॉन मिलने की पुष्टि हुई है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।